बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। वीकेबी माय डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर दिस शो। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के सिनेरियो में बहुत कॉमन हो गई है। पहले इसे बड़े बुजुर्गों की समस्या कहा जाता था, बीमारी कहा जाता, लेकिन अभी ये बच्चों और टीनेजर्स में भी पाई जाती हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है, क्या कॉजेज हैं और कई ऐसे मिथ्स हैं डायबिटीज को लेकर कि ये खाने से हो सकती है, इसे नहीं खाना चाहिए एंड लॉट मोर। डायबिटीज के बारे में बहुत सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर के जाने माने किंग्सवे हॉस्पिटल से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद गांधी। डॉक्टर गांधी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी दैट डॉक्टर गांधी इज एक्सपर्टीज इन डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड एक्सेट्रा, एंड ही हैज बीन द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी महा एंडोक्राइन सोसाइटी महाराष्ट्र एंड पास प्रेसिडेंट AMSDAI नागपुर। डॉक्टर गांधी, फिर एक बार आपका स्वागत है माई डॉक्टर में। इफ यू टॉक अबाउट द एंडोक्रिनोलॉजी टर्म, ये टर्म एग्जैक्टली क्या है? एंडोक्रिनोलॉजी इज ए टर्म वेयर वी से दैट it's a science which deals with the study of hormones, okay, and the common hormones which we come across or common disorders which we come across, mm-hmm, are diabetes is the most common, mm-hmm, thyroid disorders are the, right, second most common, okay, then in women or girls polycystic ovarian syndrome, okay, growth disorders, like there are many other hormones. We all the endocrine glands secretes many hormones and we, okay, talk about the disorders of all these endocrine glands. Okay, so coming to diabetes, diabetes exactly hota kya hai? Diabetes ek aisi bimari hai jisme apne sharir mein blood sugar ki matra bahut badh jati hai, right, aur ye hone ka reason rehta hai apne sharir mein jo normally insulin banta hai, जी? pancreas gland se jo insulin banta hai, wo insulin ek to kam matra mein banta hai, जी? या नहीं बनता है, mm-hmm, या बनता भी है तो भी डिफेक्टिव बनता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओके, और बहुत सारे बाकी भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ जाने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, mm-hmm, तो ऐसी केस में इंसुलिन पेरिफेरल सेल पे काम नहीं करता है और उस केस में शुगर की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है, okay, तब हम बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज हो गया है, ओके, okay। जैसे कि मैंने कहा कि अब ये कोई एज फैक्टर पे नहीं रही है और रेशियो जो है अब शायद ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू दी अगर पहले देखें तो, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि डायबिटीज़ बच्चों में भी बढ़ रहा है, युवाओं में भी बढ़ रहा है और अपने इंडिया में स्पेशली डायबिटीज़ की एज कम होते जा रही है। एट अर्ली एज वी आर फाइंडिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स। पहले हम बोलते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में नहीं होता है, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ एक्चुअली बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने नंबर की जो बात किया, ये आपको एक मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 1997 में WHO के डायरेक्टर थे हिलेरी किंग, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बाय 2025 वी विल हैव मोर देन 40 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स इन इंडिया। ओके, बट आई टेल यू वी आर येट टू रीच टू 25 और आज 2021 में ही वी हैव मोर देन 87 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स इन इंडिया। दिस इज सैड टू हियर। इट्स मोर देन डबल, यानी इतना रैपिडली बढ़ रहा है। हमारे जो भी प्रेडिक्शंस थे, वी आर रनिंग मच अहेड ऑफ दोज ऑल प्रेडिक्शंस। ऑल दीज प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन बेसिकली स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत तेजी से अपने इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। राइट, कारण पूछने की तो जरूरत नहीं, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना इम्बैलेंस हो चुका है एंड इट इज़ रियली सैड टू से कि वी आर सो करियर ओरिएंटेड। मैं हमेशा ये इसीलिए कहती हूँ बिकॉज करियर ओरिएंटेड होना गलत बात नहीं है, लेकिन करियर ओरिएंटेड के साथ साथ हम अपनी सारी चीज़ों को बहुत इम्बैलेंस कर देते हैं, वो चाहे डाइट हो, वो चाहे हेल्थ इशूज हो। तो क्या कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के अगर कॉमनली देखा जाए तो?
देखो डायबिटीज का तो सबसे मुख्य कारण है जेनेटिक, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओह इज इट? ओके ओके। तो वी ऑलवेज से कि इट इज द जीन्स व्हिच लोड्स द गन एंड इट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच ट्रिगर्स इट। ओके। सो जेनेटिकली वी एशियन इंडियंस आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक आज की दुनिया में जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, डायटरी हैबिट्स चेंज हुई है हमारी, हमारा एक्सरसाइज बंद हो गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, मोटापे का प्रमाण बढ़ गया है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से डायबिटीज और ज्यादा बढ़ रहा है। तो जेनेटिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं अगर कॉमनली देखा जाए डायबिटीज पेशेंट्स में? तो सिम्टम्स बताने के पहले मैं तो आपको दो मिनट में आपको डायबिटीज के टाइप्स बता देता हूँ, सो दैट आई कैन टेल यू द सिम्टम्स आल्सो वेरी वेल। ओके। बेसिकली डायबिटीज मुख्यतः दो टाइप का होता है, टाइप वन डायबिटीज और टाइप टू डायबिटीज। फिर बाकी भी होते हैं जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज डायबिटीज, टाइप वन डायबिटीज इज ए कंडीशन वेयर देयर इज इंसुलिन डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। ओके। इंसुलिन जीरो रहता है अपने बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ही लेना पड़ता है। टाइप वन डायबिटीज का इंसिडेंस है 2-4% इन इंडिया। ओके। Whereas we talk about 95% of the patients which we see are type 2 diabetes. Right. Okay. Now type 2 diabetes में कई बार कोई भी symptoms नहीं मिलते, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमारा observation है कि more than 60% of the patients with type 2 diabetes do not have any symptoms. Oh. Only classical symptoms हम diabetes की जो बोलते हैं, जैसे कि patient को भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, वीकनेस आता है, यूरिन की जगह बार बार इन्फेक्शन हो जाना है, आँखों में धुंधला दिखना है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं बहुत लेट, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब। अच्छा। लेकिन अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। और इसीलिए सब लोग निग्लेक्ट करते हैं उसको। ओके। सो ये सिम्टम्स आने की राह नहीं देखना चाहिए हमने। ओके। सो हाउ टू अप्रोच अ डॉक्टर, व्हेन टू अप्रोच अ डॉक्टर एग्जैक्टली? बेसिकली वी से दैट इफ वी हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। आज हम लोगों ने एक बहुत सिंपल टूल अपने इंडिया में डेवलप किया है, इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, जिसमें आपको अपनी एज लिखना है। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, वो मैं आपको देता हूँ। एज, आपका सेक्स, आपकी सेडेंटरी लाइफ है या नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, ऐसे चार या पांच फैक्टर है और उसके ऊपर से आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपका स्कोर अगर ज्यादा है तो यू आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, और ऐसे लोगों ने अपना ब्लड शुगर रेगुलर चेक करना चाहिए। वैसे भी हम बोलते हैं कि वी आर जेनेटिकली मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, सो आफ्टर द एज ऑफ 35 एवरी पर्सन शुड चेक ब्लड शुगर्स एनुअली। जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मोटापा है जी, तो ऐसे लोगों ने बार बार चेक करना चाहिए। ओके। वैसे भी कहते हैं कि मेडिकल हेल्थ चेकअप एक होना भी चाहिए हमेशा, आपको एक को कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड दैट इज वेरी नीडेड फॉर यू। सो अगर हम लोग डायबिटीज की बात करते हैं तो हाउ टू डायग्नोस इट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पेशेंट आता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर? डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इज ओनली बाय डूइंग ब्लड शुगर लेवल्स। हम लोग अगर लैब से ब्लड शुगर चेक करते हैं तो जिसमें हम बोलते हैं कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर आपका 125 के ऊपर है, 126 एंड अबव, तो आपको डायबिटीज पक्का है। 75 ग्राम्स ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद में अगर हम प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करते हैं, यानी लैब से ब्लड टेस्ट करते हैं, इफ इट इज मोर देन 200 देन अगेन यू हैव डायबिटीज। लेकिन आपका ब्लड शुगर फास्टिंग लेस देन 100 है या पोस्ट ग्लूकोज लेस देन 140 है, तो आपको डायबिटीज नहीं है। ओके। नाउ व्हाट अबाउट दोज पेशेंट्स हुज फास्टिंग इज बिटवीन 100-125? यस यस। एंड पोस्ट ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज बिटवीन 140-200? ओके। दीज आर कॉल्ड एज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, विच वी आर कॉल एज बॉर्डरलाइन डायबिटीज। ओके। नाउ बॉर्डरलाइन डायबिटीज पेशेंट्स में फ्यूचर में डायबिटीज होने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा। और ऐसे पेशेंट्स में इवन हार्ट की बीमारियाँ भी होने की संभावना
ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन। ओके डॉक्टर, आजकल देखा, आजकल एक और टेस्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ओके, एंड व्हाट इज दैट? ये भी एक ब्लड टेस्ट होती है जिसमें आपका HbA1c अगर 6.4 के ऊपर है जी, तो आपको डायबिटीज है। ओके, लेकिन ये HbA1c एक प्रॉपर मेथड से होना चाहिए, HPLC से ही होना चाहिए। रूटीन लेबोरेटरी में बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो मेथड से एक्सेप्टेबल नहीं है। NGSP स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये, वो प्रॉपर तरीके से हुई तो ही वो एक्सेप्टेबल रहता है, अदरवाइज नहीं। सो आई विल से कि दिस इज द ब्लड शुगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एंड पोस्ट ग्लूकोज प्लाज्मा ग्लूकोज इज द बेस्ट वे ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। राइट डॉक्टर गांधी, हमें अभी एक बहुत ही डिफिकल्ट समय देखा, वो है कोविड काल का। कोरोना काल एक ऐसा समय था जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, एंड वी हैव मोर फार बहुत तरीके से हमने कोप अप किया है, एंड वी होपफुली से कि अब जल्द हम इससे निकलेंगे। लेकिन ये कोविड समय पे भी डायबिटीज़ जो थी वो बहुत सुनाई दी, एंड पोस्ट कोविड भी बहुत सुनाई दी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कोविड के टाइम पे डायबिटीज़ का क्या स्टेटस था और पोस्ट कोविड डायबिटीज़ का क्या स्टेटस है। Now let's talk about during COVID diabetes. Okay. अब जिन लोगों को डायबिटीज है उनको कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है ऐसा नहीं है। Okay. उनको कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बाकी नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन में है उतनी ही है। Okay. ज़्यादा रिस्क नहीं है। Okay. लेकिन अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कोविड होता है तो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। Yes. उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे होने वाली मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यानी डेथ रेट भी डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा है अगर कोविड हो गया तो। ओके, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर हम अपना डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल रखते हैं और उसके बाद में अगर हमको कोविड होता है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहा तो आप में सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशंस या मॉर्टेलिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। सो हमने इसलिए डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली इन दिस कोविड ईरा। राइट, तो जिन लोगों ने डायबिटीज अच्छा कंट्रोल रखा उन लोगों का कोविड भी अच्छे से कंट्रोल आया, उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल में प्रोबेबली कोविड के सबसे ज़्यादा मरीज ट्रीट हुए हैं और उस वक्त पूरा हमारा 300 पेशेंट में से 150-200 पेशेंट्स हमारे डायबिटीज़ के होते थे। हमने ये देखा कि मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम था एक्चुअली। तो 150-200 पेशेंट्स को रोज हमारा हमको डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ता था। इट वाज अ ह्यूज टास्क, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट यस वी कुड मैनेज इट एंड वी प्रोबेबली हैड गिवन रियली गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। यस यस, ये हो गया एक बार। दूसरा पोस्ट कोविड डायबिटीज। यस, अभी ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग कोविड पूरा लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो गया। सेडेंटरी लाइफ हो गई, लोग घर में रहने लग गए, एक्सरसाइज कम हो गया। yes, जिनको कोविड हो गया वो बाहर नहीं जा पाते थे, एक रूम में बंद हो जाते थे, जो उनको रूम में बाहर से प्रोवाइड कर रहे थे वही खाना खा रहे थे। स्ट्रेस बहुत था लोगों को, पीपल वेयर नॉट अवेयर कि अभी हमारा क्या होगा आगे। तो लोगों के जॉब चले गए, लोगों के काम चले गए, फाइनेंशियल स्ट्रेस था। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच हैज गिवन लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड। सो पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रहा है। सो प्रोबेबली ऑल दोज पेशेंट्स नाउ, आज हम बोलते हैं कि सोसाइटी में जितने डायबिटीज पेशेंट्स हम देख रहे हैं उतने ही पेशेंट्स आज हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। सो प्रोबेबली ड्यूरिंग कोविड ये सब पेशेंट्स हमारे डायग्नोज हुए हैं और शायद अभी तक हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है लेकिन शायद कोविड से बीटा सेल डिसफंक्शन या पैंक्रियास पे भी कुछ इन्फ्लेमेशन आया होगा लेकिन उसका आज की घड़ी में कोई एविडेंस नहीं है। आज हम यही बोल रहे हैं कि वो प्रोबेबली अनडायग्नोज पेशेंट्स ड्यू पोस्ट कोविड ईरा में डायग्नोज हुए हैं और इसलिए हम बहुत सारे पेशेंट्स पोस्ट कोविड ईरा में भी डायबिटीज के देख रहे हैं। एक्चुअली ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, ट्रीटमेंट किस प्रकार, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज पेशेंट्स का? डायबिटीज में एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यस, वेयर इन वी सी टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी कॉमन इन
obese patients. Yes. So lifestyle management is the first and foremost thing. Okay. So which includes diet control, regular exercise, weight reduction if you are obese, and these three things contribute a lot. And try to reduce your stress. आज की घड़ी में हर एक को हर इंसान को स्ट्रेस के साथ जीना है, लेकिन if you start enjoying your work, probably you can reduce your stress. And आपको खुद का स्ट्रेस कैसे कम करना है खुद को ही फाइंड आउट करना पड़ता है. सो इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स प्रोबेबली दैट हेल्प्स अ लॉट. सो वी ऑलवेज से कि ईट लेस, वॉक मोर, स्लीप वेल, देन प्रोबेबली you can that helps to control your diabetes very well. In addition to that, medicines bhi lena pad sakta hai, which includes various different types of tablets and insulin, both these things. Kya role hai medications ka, kyunki medication ka role bahut important hai diabetes mein. Bahut important hai ji. Kai baar aisa hota hai ki jo patients hamare lifestyle se control mein nahi aate hain unko medicines dena hi padta hai. और मेडिसिन देने से ही उनका शुगर कंट्रोल होने में मदद होती है. आज से 20 साल पहले हमारे पास में दो या तीन तरह की मेडिसिन थी सिर्फ. पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस इतना एडवांस हुआ है कि आज हमारे पास में कम से कम अलग अलग तरह की 25 से ऊपर दवाइयां है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए. और हर पेशेंट का ओवरऑल क्लिनिकल प्रोफाइल देख के हम उनको कौन सी दवाइयाँ देना है ये डिसाइड करते हैं. पहले हमारा ये एम ये रहता था कि सिर्फ पेशेंट का शुगर कंट्रोल कर, ये एम रहता था. लेकिन आजकल हमारा ट्रीटमेंट में एम ये नहीं रहता है कि पेशेंट का सिर्फ शुगर कंट्रोल करना है. हमको ये देखना है कि उसका शुगर कंट्रोल करना है, साथ में उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, उसका वेट कंट्रोल करना है, उसके लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे कार्डियोवास्क्यूलर या हार्ट की जो बीमारी आती है उसकी रिस्क कम करना है, किडनी की जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी रिस्क कम करना है. तो ये सब हम हर पेशेंट को इंडिविजुअल एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं. ओके. डॉक्टर, इंसुलिन की कब ज़रूरत पड़ जाती है? हाँ, इंसुलिन की ज़रूरत ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स को शायद एट डायग्नोसिस भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को हम थोड़े दिन इंसुलिन देते हैं और फिर इंसुलिन बंद करके उनको वापस टैबलेट पे भी ला सकते हैं. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज. ओके. टाइप 1 में तो इंसुलिन हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम डे 1, और टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लगता है. ओके. इंसुलिन इज लाइफ सेविंग ड्रग इन पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज. ओके. बट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ शुगर एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इनिशियली. एंड कई लोगों का ऐसा होता है कि शुरू में हम गोलियां देके कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि गोलियों का डोज मैक्सिमम देने के बावजूद भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है. ऐसे वक्त फिर हम उनको इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन से उनका शुगर कंट्रोल करते हैं. आज इंसुलिन के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप आ गए हैं, बहुत सारी एडवांस थेरेपी आ गई है. लेकिन आज की घड़ी में इंसुलिन सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में ही अवेलेबल है. फॉर्चुनेटली देर आर डिफरेंट मेथड्स बाई विच वी कैन गिव. पहले तो सीधा था कि सीरिंज और नीडल से दो. आजकल इंसुलिन के पेन आ गए हैं, इंसुलिन के पंप आ गए हैं. So that has made our life very comfortable. Very comfortable, right. It's comfortable for the patients as well. And doctors ke liye to ek vardaan hi hai. Kahin na kahin. Love you, Deepika. Bye. Sab janna chahte hain. Mera favorite color. Mera favorite destination. Meri favorite dish. Par koi ye nahi poochta ki favorite dish main banati kaise hoon. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए.
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान की डायबिटीज की बात करते हैं डॉक्टर, तो व्हाट्स दैट पीरियड ऑफ डायबिटीज? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होता है उसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ओके। अब कई बार ऐसा होता है कि जिनको पहले से डायबिटीज है उनको भी प्रेगनेंसी रहती है, तो दैट्स अ डिफरेंट टाइप वन और टाइप टू डायबिटीज विद प्रेगनेंसी। ओके। बट प्रेगनेंसी में पहली बार जब डायबिटीज होता है, जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस मिड प्रेगनेंसी में दिखता है, अराउंड 20 to 24 weeks ऑफ जेस्टेशन। ओके। और ये प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं। ओके। वो हार्मोन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है अपने बॉडी में और उसकी वजह से शुगर की मात्रा बढ़ती है। ओके। जब ये शुगर की मात्रा बढ़ती है तो ये शुगर प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में भी बढ़ती है। अच्छा। तो बच्चे में अगर शुगर बढ़ गई तो लॉन्ग टर्म में बच्चे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना होती है, और इसलिए मदर का शुगर कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। जो नॉन प्रेग्नेंट वूमेन है या बाकी लोगों में, हम इतना टाइट कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं करते जितना हम प्रेगनेंसी में करते हैं। प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आपका 95 के नीचे होना चाहिए, पोस्ट मील 1 आवर शुड बी लेस देन 120 mg/cent, एंड पोस्ट मील 2 आवर शुड बी लेस देन 140 mg/cent। इतना टाइट कंट्रोल हम रखने बोलते हैं पेशेंट। राइट राइट। क्योंकि डायबिटीज में वैसे भी डाइटरी प्लान जो है प्लेज अ वाइटल रोल, एंड सबसे पहला रिकमेंडेशन यही होता है। तो आई वुड ग्लैड टू नो कि जो डाइटरी प्लान्स आप रिकमेंड करते हैं एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आर यू टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी और नो? वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज डाइटरी प्लान्स, अगर हम बोले जनरल डायबिटीज में पहले ये कंसेप्ट था कि आपको फिक्स प्रिंटेड चार्ट दिए जाते थे और ये चार्ट सबको फॉलो करना था। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा हम लोग ऐसा बताते हैं कि There is no fixed diet for any patient. Okay. It cannot be. Actually. South Indian का खाना अलग रहेगा, North Indian का खाना अलग होगा, महाराष्ट्र का खाना अलग होगा, मेरे घर में अलग होगा, आपके घर में अलग होगा। Actually. So what we need to do is we have to assess your individual life dietary pattern. We have to assess your lifestyle. कई लोग night shift करते हैं, कई लोग दिन में काम करते हैं। आपकी lifestyle, आपका weight. Okay. फिर हमारा टारगेट है आपका वेट कम करना है या वेट मेंटेन रखना है या वेट बढ़ाना है। सो ये सब पैरामीटर्स देख के हम हर पेशेंट का डाइट इंडिविजुअलाइज करते हैं। वी कैनॉट ब्लैंकेटली स्टे दैट दिस डाइट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। नो, वी कैनॉट डू दैट, एंड नोबडी कैन डू दैट। नोबडी कैन डू दैट। सो वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द डाइटरी पैटर्न, we have to individualize the exercise and medications as well. Right. अब general principles में broad principles आपको बताना चाहूँगा about diet. सबसे पहला तो तीन चीजें बिल्कुल 100% नहीं लेना है आपने। Okay. Sugar, यानी शक्कर, गुड़ और शहद, तीन चीजें बिल्कुल strictly avoid कर लेना चाहिए। Okay. बाकी सब चीजें आप खा सकते हैं कम मात्रा में, लिमिटेड। इसमें हर चीज आपको लिमिट में खाना है। अच्छा। ये कंसेप्ट था कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना। मानता हूँ चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर हम पूरे फुल मील के साथ में अगर खा रहे और लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं तो इट इज नॉट हार्मफुल। ओके। सो वी कैन ईट ऑल थिंग्स बट वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट दैट वी शुड नॉट ईट फ्री शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने खाना चाहिए, और वो पूरे खाने के साथ में अगर लेते हैं तो वो खाना चाहिए। दूसरा, टू मेजर मील्स, ये जो कंसेप्ट है उसके जगह हमने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए, सो दैट आपका पोस्ट मील ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। राइट राइट। तो 5 या 6 बार या 7 बार प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं 6 से 7 बार कम से कम थोड़ा थोड़ा खाइए, बट नॉर्मली भी हमने 5 बार 6 बार 4 5 5 बार ऐसे खाना चाहिए, सो दैट हेल्प्स
यू टू प्रिवेंट दी पोस्ट प्रांडियल पीक प्लाज्मा ग्लूकोज। ओके ओके, ये डाइटरी प्लान्स तो वैसे भी मुझे लगता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी नॉर्मल पेशेंट्स को भी अपने डाइटरी प्लान्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो देखिएगा, आप कोई भी समस्या को बिल्कुल भी इन्विटेशन नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो देर आर सो मेनी मिथ्स डॉक्टर, इतने सारे हैं कि आप तो कंटिन्यू इतने पेशेंट्स को डील करते हैं डेली, तो कितने सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ते होंगे, तो ये मिथ्स दूर करने तो बहुत जरूरी है। कौन से है वो? जी, मिथ्स तो बहुत सारे हैं डायबिटीज में, जैसे कि पहला तो मैं आपको डाइट के बारे में बता चुका हूँ कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, फल नहीं खाना। यानी जब हम नहीं खाने की लिस्ट बताते थे पहले एक जमाने में, तब पेशेंट बोलता था मैं खाऊं क्या। तो ग्रेजुअली वी हैव रियलाइज्ड दैट यस वी कैन ईट मेनी थिंग्स, डायबिटीज डजंट मीन दैट योर लाइफ इज क्रिपल्ड। ओके, यू कैन ईट लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट फ्री शुगर्स, यू कैन ईट ऑल थिंग्स। घर में आपको मिठाई भी खाना है तो आप आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आने लग गए, उसमें बना के मिठाई खाइए, शुगर में बना के मत खाइए। देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट इंसुलिन। ओके, इंसुलिन जैसे एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो कभी बंद नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, इंसुलिन चालू करने के बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट का अगर ग्लूकोटॉक्सिसिटी कम हो गई है तो कई बार पेशेंट्स में इंसुलिन बंद हो जाता है। कई बार हम शुरू शुरू में इंसुलिन चालू करते हैं, बाद में स्टेबल होने के बाद में धीरे से इंसुलिन बंद करते हैं। कई बार कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है पेशेंट की लाइफ में, कोई इन्फेक्शन होता है तब इंसुलिन चालू करते हैं, उनमें भी इंसुलिन बंद हो सकता है। प्रेगनेंसी में इंसुलिन देते हैं तब बंद हो सकता है। सो देयर आर मेनी कंडीशंस वेयर इंसुलिन कैन बी स्टॉप्ड, नॉट ऑल पेशेंट्स, वेयर प्रोबेबली यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ यूर फिजिशियन और डॉक्टर, वेदर दे कैन स्टॉप इंसुलिन और नॉट। ओके, व्हाट आई वांट टू ऐड, डायबिटीज जिंदगी भर की बीमारी है, इट्स नॉट मीथ, इट्स रियलिटी। ओके ओके, डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, वंस यू आर डायबिटिक यू आर ऑलवेज डायबिटिक। ओके, कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि पहले शुगर बहुत बढ़ी है, गोलियां लेना पड़ा या इंसुलिन लेना पड़ा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद में उनकी दवाइयां इंसुलिन बंद हो गई और शुगर नॉर्मल थी। That doesn't mean diabetes is cured. Okay. It is controlled. Okay. So there is no cure. There is no cure for diabetes in this world. Okay. अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। Fortunately, we are in 2021. Right. And this is 100 years of insulin discovery. Yes. In 1921, insulin was discovered. Yes. Or insulin is a drug which helps us to control the diabetes, which is helping us to prevent the long-term complications, right, and which has really saved millions of life in last 100 years. Very true, very true. And सिर्फ इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए चार नोबेल प्राइज दिए गए थे अलग अलग। ओके, सो ए डिसीज विच कैन बी कंट्रोल्ड, उसके लिए अगर इतने सारे नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो जो बीमारी क्योर कोई ढूंढेगा उसके लिए तो बहुत बड़ा प्राइज मिलना चाहिए। इट्स ए ग्रेट रिसर्च, देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच इज गोइंग ऑन, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज इन दिस वर्ल्ड। देयर आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड लॉट ऑफ पीपल प्रमोट दैट वी कैन क्योर डायबिटीज, बट आई कैन टेल यू साइंटिफिकली एज ऑफ डेट देयर इज नो क्योर फॉर डायबिटीज इन दिस वर्ल्ड। Once diabetes is always diabetes. Okay. This is reality. Okay. This is not a myth. Okay. And if we talk about fruits, is it okay to eat fruits because it has so many carbohydrates? Yeah. Fruits, yes, we can eat fruits. But then we have to find out the fruits which has low glycemic index. Okay. Which is the glucose content is less and fructose content is more. We can eat such fruits. Preferably fruits can be taken along with meal, so that will dilute the calories. Okay. Okay. Then fruits can be taken in limited quantity. Some people take excess amount of carbohydrates. That's also not acceptable. Okay. So limited quantity of fruits, you can eat all fruits. Okay. Probably some fruits needs to be taken in lesser quantity. Some fruits can be taken in more quantity. Okay. That we have to assess the patient's overall lifestyle and then we can decide.
ओके ओके, सो डायबिटीज़ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस ऐसे क्रिएट होते हैं, तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स कि ये चीज़ों को बढ़ा सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को आमंत्रण भी दे सकते हैं? सो डायबिटीज़ में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. नाउ पहले हम कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द अदर रिस्क फैक्टर्स. सो डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हम उसको बोलते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर. ओके, सो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड्स रेटिनोपैथी. ओके, आंखें खराब होना जी, किडनी खराब होना और पैर की नसें खराब होना, ये माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है. ओके, नाउ आंखें खराब होने जो होती है अपने आंखों में जो पीछे का पर्दा रहता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, वो खराब होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, तो इससे ब्लाइंडनेस आती है. ओके, आज की घड़ी में दुनिया में परमानेंट ब्लाइंडनेस का सबसे इम्पोर्टेंट कोई कॉज है तो वो है डायबिटीज. ओके, एंड देयर इज नो क्यूर फॉर इट. राइट, कैटरैक्ट से भी ब्लाइंडनेस आता है, लेकिन कैटरैक्ट कैन बी ऑपरेटेड एंड पेशेंट्स विजन कैन बी रिस्टोर्ड. राइट, बट डायबिटीज की वजह से अगर ब्लाइंडनेस आ गया तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस है. ओके, किडनी खराब होती है, नेफ्रोपैथी. यस, डायबिटीज की वजह से अपनी ब्लड सेल्स खराब होती है पूरे शरीर की, जिसकी वजह से किडनी खराब होती है, और किडनी एक बार खराब होगी तो फिर डायलिसिस एंड देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये सब करना पड़ता है पेशेंट को. किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है. सो लाइफ बिकम्स मिजरेबल. तीसरा होता है पैर की नसें खराब हो जाती, पैर में सेंसेशंस चले जाते हैं पेशेंट्स के. Yes. पैर के सेंसेशंस चले गए तो कई बार कोई इंजरी भी हो गई पेशेंट्स को तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है. कोई कीला भी चुभ गया है, कोई काटा भी चुभ गया है, तो उनको कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए वो काटा और डिप जाता है. नॉर्मली अपना प्रोटेक्टिव फिनोमेनन था, थोड़ी सी भी सुई लग गई तो अपना हाथ पीछे जाता है, वो सब खत्म हो जाता है इसमें. तो इंजरी बड़ी होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और ऐसे पेशेंट्स में आगे चल के पैर में गैंग्रीन होने की संभावना रहती है. आज की घड़ी में दुनिया में पैर का काटना यानी लोअर लिम एम्पुटेशन द कॉमनेस्ट रीजन इज वेहिकुलर एक्सीडेंट्स, द सेकंड कॉमन रीजन इज डायबिटीज. इज दैट कॉमन? आज ऐसा बोला जाता है कि हर 5 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कोई डायबिटीज पेशेंट्स की डेथ हो रही है. एक्चुअली एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मेनली हार्ट डिसीजेस व्हिच हैपेंस इन डायबिटीज. वेरी ट्रू. हार्ट डिसीजेस या हार्ट अटैक की रिस्क डायबिटीज पेशेंट्स में 3 से 4 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. ओके ओके. एंड दूसरा, ये रिस्क तो ज़्यादा है ही, साथ में अगेन पेन नहीं होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है जी, तो इसलिए पेशेंट बहुत लेट हॉस्पिटल जाता है. सो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली जी. पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज होते हैं. राइट, सेरेब्रो वास्कुलर डिसीज यानी पैरालिसिस या स्ट्रोक होना, उसकी रिस्क भी 2 से 3 गुना डायबिटीज पेशेंट्स में ज़्यादा है. एक्चुअली ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के बहुत ज़्यादा है जी, और ये कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद में हम कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट करते हैं बट वी कैनॉट गो बैक टू नॉर्मल. वेरी ट्रू. इट इज इरिवर्सिबल. यस, वंस कॉम्प्लिकेशंस हैज अकर्ड वी कांट गो बैक. ओके, बट यस वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज by achieving good diabetes control or good glycemic control throughout our life. That's very important. So this is what we call as secondary prevention. We try to prevent the occurrence of the complications once you are diabetes. Right, right. Dr. Gandhi, आप lastly हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे important तो यही है कि eat less, walk more, sleep well, monitor your sugars regularly so that you can control your sugars very well and prevent the complications of diabetes and can live a normal healthy life. In fact, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको अगर diabetes हो गया तो you should take it as an advantage that yes, after diabetes you manage your lifestyle very well, you take regular diet, you do regular exercise, you are taking regular medications, so your lifestyle becomes regularized and you can definitely lead a normal healthy life as that of any other normal person. So control your diabetes well
एंड प्रिवेंट ऑल द डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस. थैंक यू सो मच डॉक्टर गांधी आपके प्रेशियस टाइम के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए. ये दर्शकों को ज़रूर काम आएगी. तो आज हमारे साथ थे द वेरी पॉपुलर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद गांधी फ्रॉम द वेरी पॉपुलर किंग्सवे हॉस्पिटल, जो अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है. जैसे कि डॉक्टर गांधी ने कहा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एक्चुअली आपके लाइफस्टाइल को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ डू नॉट हैमर योरसेल्फ. वर्कलोड सभी को बहुत ज़्यादा है, बट जस्ट व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ योर डाइटरी स्केड्यूल. डू फोकस ऑन योर डाइटरी स्केड्यूल. कहते ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो अगर आप प्रिवेंशन लेंगे तो आप कोई भी समस्या को इन्विटेशन तो बिल्कुल नहीं देंगे. कोरोना का काल है, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है. वी हैव टू बी सिक्योर्ड और हमें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. माई डॉक्टर में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ. तब तक लिए देखते रहिए VKB न्यूज़. नमस्कार. बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार. डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो My Doctor, सिर्फ VKB News पर.